हेलो दोस्तों, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है ए अपॉन में ए स्क्वायर प्लस 3 ए प्लस 1 इक्वल टू 7, देन ए स्क्वायर अपॉन में ए टू द पावर 4 प्लस 3 ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू व्हाट, इसकी वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए, इसको हम ई के इक्वल मान लेते हैं। ई इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन में ए टू द पावर 4 प्लस 3 ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर अपॉन में, यहाँ देखिए हम ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 बाई ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ई इज इक्वल टू 1 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को देखते हैं, ये हमारे पास गिवन है ए अपॉन में ए स्क्वायर प्लस 3 ए प्लस 1 इज इक्वल टू 7। इस इक्वेशन को हम रिवर्स कर देते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 3 ए प्लस 1 अपॉन में ए इज इक्वल टू 1 बाई 7। ए से डिवाइड कर देंगे इसको, यहाँ से हमारे पास बच जाएगा ए प्लस 3 प्लस 1 बाई ए इज इक्वल टू 1 बाई 7। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए प्लस 1 बाई ए इज इक्वल टू 1 अपॉन में 7 माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस 1 बाई ए इज इक्वल टू माइनस 20 अपॉन में 7। इस इक्वेशन का हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 400 अपॉन में 49। अब हम देखिए, हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस 3 की वैल्यू चाहिए थी। इस इक्वेशन में हम दोनों साइड 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 400 अपॉन में 49 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 3 की वैल्यू आ जाएगी 449 अपॉन में 49। ई की वैल्यू हमारे पास आ गई थी 1 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 3। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा ई इज इक्वल टू 1 अपॉन में 449 अपॉन में 49। तो यहाँ से हमारे पास ई की वैल्यू आ जाएगी 49 अपॉन में 449। ये हमारा आंसर हो गया, इसे हमने ई के इक्वल माना था। तो यहाँ से हमारे पास ई की वैल्यू आ गई 49 अपॉन में 449। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।